खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां सिकंदरपुर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों की फरियाद को सुना। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों को गंभीरता पूर्वक सुनकर संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। आज संपूर्ण समाधान दिवस सिकंदरपुर में हम और पुलिस अधीक्षक साहब की उपस्थिति में ये संपन्न हुआ है। यहाँ कुल मिला के 135 शिकायतें आई हैं, जिसमें 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है और काफ़ी मामलों में जो राजस्व के थे उसको थाने पर भेजकर आज ही संयुक्त टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काफ़ी समस्याओं का आज ही निस्तारण हो सके। एक दो इशू यहाँ पर जो मुख्य रूप से आए, कुछ अंश गलत करने के आए हैं, तो मैंने इसमें उपजिलाधिकारी से कहा है कि अगले 15 दिवस इसका विशेष अभियान चला के जिसका भी अंश में कोई त्रुटि है उसको सही कराएं, और भूमि के निस्तारण के मामलों में विशेष व्यवस्था हम लोग लागू कर रहे हैं हमारे इसके साथ मिलकर, ताकि भूमि के जितने भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण शीघ्र हो सके। सर, कुछ फरियादी ऐसे भी आए कि वो लगातार कहते रहे कि हम समाधान दिवस का है, हमें समाधान दिवस का प्रश्न, लेकिन हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया, उसके लिए कोई अलग से अलग से जैसे स्ट्रेटजी पुलिस और आर की, ताकि भूमि विभाग आसानी से नहीं। निश्चित रूप से अभी SP साहब ने भी सभी चौकी प्रभारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाई है, उसी टीम के साथ प्रत्येक चौकी प्रभारी के साथ जो उस क्षेत्र के कानूनगो हैं और लेखपाल हैं उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि पूरी एक टीम बन जाए जिसमें चौकी प्रभारी, कानूनगो और लेखपाल उस क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उस टीम को निस्तारित करने की जिम्मेदारी होगी, और यदि किसी क्षेत्र से ज़्यादा शिकायतें आएंगी तो उस क्षेत्र के चौकी प्रभारी की, राजस्व निरीक्षक की, लेखपाल की, सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखा गया कि सर आज मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी नहीं आए थे। हाँ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित थे, उनको आना चाहिए था, उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जैसे विवाद को लेके जैसे SDM के यहाँ बात के अंतर्गत सीमांकन वगैरह होता है, वो सर सालों साल हो चुके हैं, और जो किसान हैं वो बार बार बाद उसमें जाते हैं, SDM सर से करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से मतलब उसका हल नहीं हो पाता है। तो एक जबकि शासन का आदेश है कि कम से कम 90 दिन में फाइनल हो जाना चाहिए, जो पैमाइश के मामले हैं जो काफ़ी दिनों से लंबित हैं, उसको मैंने कहा है SDM से कि इस तरीके के प्रकरणों को विशेष ध्यान दिया जाए, किसी भी शिकायतकर्ता को, किसी फरियादी को दोबारा आने की आवश्यकता ना पड़े, और निश्चित रूप से जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसमें फरियादियों को लाभ होगा और बार बार तहसील या थाने के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। सर, गोड़ियात के लिए जो उनका बनने वाला है कब तक सर बन जाएगा? देखा जा रहा है कि पिता का बन जा रहा है लेकिन बेटे का नहीं बन रहा है। उसमें तहसीलदार को बता दिया गया है कि अभिलेख देख ले और नियमानुसार जो भी बनने लायक है उसको परेशान न किया जाए और उसका बनाया जाए, और जो विधि सम्मत नहीं है उसमें उसी तरीके से।